जौन धरती पर हमारी रानी लक्ष्मीबाई जी ने आजादी के लाने अपना सबई नोछावर कर दो, वह धरती के बासियन खो हमाओ हाथ जोड़ के प्रणाम पहुंचे। झांसी ने तो आजादी की अलग जगाई हती, इते की माटी के कन कन में वीरता और देश प्रेम बसो है। झांसी की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जी को हमाओ कोटि कोटि नमन। कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान कर्मयोगी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, देश का रक्षा मंत्री और इस प्रदेश के यशस्वी प्रतिनिधि और मेरे बहुत वरिष्ठ सहयोगी श्रीमान राजनाथ सिंह जी, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट जी, एमएसएमई राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप वर्मा जी, सभ्य अन्य अधिकारीगण, एनसीसी कैडेट्स और एलुमनी और उपस्थित साथियों, झांसी की इस शौर्य भूमि पर कदम पड़ते ही ऐसा कौन होगा जिसके शरीर में बिजली न दौड़ जाती हो, ऐसा कौन होगा यहां जिसके कानों में मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी कि गर्जना न गूंजने लगती हो, ऐसा कौन होगा जिसे यहां के रजकणों से लेकर आकाश के बृहत शून्य में साक्षात रणचंडी के दिव्य दर्शन न होते हो। और आज तो शौर्य पराक्रम की पराकाष्ठा हमारी रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म जयंती भी है। आज झांसी की ये धरती आजादी के भव्य अमृत महोत्सव की साक्षी बन रही है और आज इस धरती पर एक नया सशक्त और सामर्थ्यशाली भारत आकार ले रहा है। ऐसे में आज झांसी में आकर मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, इसकी अभिव्यक्ति शब्दों में आसान नहीं है, लेकिन मैं देख सकता हूं राष्ट्रभक्ति का जो ज्वार मेरी झांसी का जो मनोभाव मेरे मन में उमड़ रहा है, वो बुंदेलखंड के जन जन की ऊर्जा है, उनकी प्रेरणा है। मैं इस जागरूक चेतना को महसूस भी कर रहा हूं और झांसी को बोलते हुए सुन भी रहा हूं। ये झांसी रानी लक्ष्मीबाई की ये धरती बोल रही है। मैं तीर्थस्थली वीरों की, मैं क्रांतिकारियों की काशी, मैं तीर्थस्थली वीरों की, मैं क्रांतिकारियों की काशी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी। मेरे ऊपर मां भारती का अनंत आशीर्वाद है कि क्रांतिकारियों की इस काशी झांसी का अथाह प्यार मुझे हमेशा मिला है। और यह भी मेरा सौभाग्य है
कि मैं झांसी की रानी की जन्मस्थली काशी का प्रतिनिधित्व करता हूं, मुझे काशी की सेवा का अवसर मिला है। इसलिए इस धरती पर आकर मुझे एक विशेष कृतज्ञता की अनुभूति होती है, एक विशेष अपनापन लगता है। किसी कृतज्ञ भाव से मैं झांसी को नमन करता हूं। वीर वीरांगनाओं की धरती बुंदेलखंड को सर झुकाकर प्रणाम करता हूं। साथियों, आज गुरु नानक देव जी की जयंती, कार्तिक पूर्णिमा के साथ साथ देव दीपावली भी है। मैं गुरु नानक देव जी को नमन करते हुए सभी देशवासियों के इन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। देव दीपावली पर काशी एक अद्भुत दैवीय प्रकाश में सजती है। हमारे शहीदों के लिए गंगा के घाटों पर दिए जलाते जाते हैं। पिछली बार मैं देव दीपावली पर काशी में ही था और आज राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व पर झांसी में हूं। मैं झांसी की धरती से अपनी काशी के लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, ये धरती रानी लक्ष्मीबाई की अभिन्न सहयोगी रही वीरांगना जलकारी बाई की वीरता और सैन्य कौशल की भी साक्षी रही है। मैं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की उस अमर वीरांगना के चरणों में भी आदरपूर्वक नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं नमन करता हूं इस धरती से भारतीय शौर्य और संस्कृति की अमर गाथाएं लिखने वाले चंदेलों बुंदेलों को, जिन्होंने भारत की वीरता का लोहा मनवाया। मैं नमन करता हूं बुंदेलखंड के गौरव उन वीर अल्लाह उदल को, जो आज भी मातृभूमि की रक्षा के लिए त्याग और बलिदान के प्रतीक है। ऐसे कितने ही अमर सेनानी, महान क्रांतिकारी, युग नायक और युग नायिकाएं रही हैं, जिनका इस झांसी से विशेष रिश्ता रहा है, जिन्होंने यहां से प्रेरणा पाई है। मैं उन सभी महान विभूतियों को भी आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। रानी लक्ष्मीबाई की सेना में उनके साथ लड़ने वाले, बलिदान देने वाले आप सब लोगों के ही तो पूर्वज थे। इस धरती की आप सब संतानों के माध्यम से मैं उन बलिदानियों को भी नमन करता हूं, वंदन करता हूं। साथियों, आज मैं झांसी के एक और सपूत मेजर ध्यानचंद जी का भी स्मरण करना चाहूंगा, जिन्होंने भारत के खेल जगत को दुनिया में पहचान दी। अभी कुछ समय पहले ही हमारी सरकार ने देश के खेल रत्न अवार्ड्स को मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर रखने की घोषणा की है। झांसी के बेटे का, झांसी का यह सम्मान हम सभी को गौरवान्वित करता है। साथियों, यहां आने से पहले मैं महोबा में था, जहां बुंदेलखंड की जल समस्या के समाधान के लिए पानी से जुड़ी योजनाओं और दूसरी विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का अवसर मुझे मिला। और अब झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का हिस्सा बन रहा हूं। ये पर्व आज झांसी से देश के रक्षा क्षेत्र में
एक नया अध्याय शुरू कर रहा है। अभी यहां 400 करोड़ रुपए के भारत डायनेमिक लिमिटेड के एक नए प्लांट का शिलान्यास हुआ है। इससे यूपी डिफेंस कॉरिडोर के झांसी नोड को नई पहचान मिलेगी। झांसी में एंटी टैंक मिसाइल के लिए उपकरण बनेंगे, जिनसे सीमाओं पर हमारे जवानों को नई ताकत, नया विश्वास, और इसका परिणाम सीधा सीधा यही होगा कि देश की सीमाएं और ज्यादा सुरक्षित होगी। साथियों, इसके साथ ही आज भारत में निर्मित स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी हमारी सेनाओं का सहयोग किए गए हैं। ये ऐसा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जो करीब 16,500 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। ये नए भारत की ताकत है, आत्मनिर्भर भारत की उपलब्धि है, जिसकी साक्षी हमारी ये वीर झांसी बन रही है। साथियों, आज एक और हमारी सेनाओं की ताकत बढ़ रही है, तो साथ ही भविष्य में देश की रक्षा के लिए सक्षम युवाओं के लिए जमीन भी तैयार हो रही है। ये 100 सैनिक स्कूल जिनकी शुरुआत होगी, ये आने वाले समय में देश का भविष्य ताकतवर हाथों में देने का काम करेंगे। हमारी सरकार ने सैनिक स्कूलों में बेटियों के एडमिशन की भी शुरुआत की है। 33 सैनिक स्कूलों में इस सत्र से गर्ल्स स्टूडेंट्स की एडमिशन शुरू भी हो गई है। यानी अब सैनिक स्कूलों से रानी लक्ष्मीबाई जैसी बेटियां भी निकलेगी, जो देश की रक्षा, सुरक्षा और विकास की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाए। इन सब प्रयासों के साथ ही एनसीसी अलुमनाई एसोसिएशन और एनसीसी कैडेट्स के लिए नेशनल प्रोग्राम ऑफ सिमुलेशन ट्रेनिंग ये राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व की भावना को साकार करेंगे। और मुझे खुशी है कि आज रक्षा मंत्रालय ने, एनसीसी ने मुझे मेरे बचपन की यादें याद दिला दी। मुझे फिर से एक बार एनसीसी का वो रुबाब, एनसीसी का इस मिजाज उससे जोड़ दिया। मैं भी एनसीसी के कैडेट के रूप में रहे हैं, तो आप जरूर इस अलुमना एसोसिएशन के हिस्से बनिए और आओ हम सभी पुराने एनसीसी कैडेट देश के लिए आज जहां हो, जैसा भी काम करते हो, कुछ न कुछ देश के लिए करने का संकल्प करें, मिलकर करें। जिस एनसीसी ने हमें शिस्त सिखाई, जिस एनसीसी ने हमें साहस सिखाया, जिस एनसीसी ने हमें राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए जीने का सबक सिखाया, ऐसे संस्कारों को अब देश के लिए हम भी उजागर करें। एनसीसी के कैडेट्स के जज्बे का, उनके समर्पण का लाभ अब देश के बॉर्डर और कोस्टल एरियाज को भी प्रभावी तरीके से मिलेगा। आज पहला एनसीसी अलुमनाई सदस्यता कार्ड मुझे देने के लिए मैं आप सबका बहुत आभारी हूं। मेरे लिए ये गर्व का विषय है। साथियों, एक और बड़ी अहम शुरुआत आज झांसी की बलिदानी मिट्टी से हो रही है। आज नेशनल वॉर मेमोरियल पर
डिजिटल कियोस्क को भी लॉन्च किया जा रहा है। अब सभी देशवासी हमारे शहीदों को, वॉर हीरोज को मोबाइल ऐप के जरिए अपनी श्रद्धांजलि दे सकेंगे। पूरे देश के साथ एक प्लेटफॉर्म भावात्मक रूप से जुड़ सकेंगे। इन सबके साथ ही आज यूपी सरकार द्वारा अटल एकता पार्क और 600 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क, पावर पार्क की भी, यह भी झांसी को समर्पित किया गया है। आज जब दुनिया प्रदूषण और पर्यावरण की चुनौतियों से जूझ रही है, तब सोलर पावर पार्क जैसी उपलब्धियां देश और प्रदेश के दूरदर्शी विजन का उदाहरण है। मैं विकास की इन उपलब्धियों के लिए, अनवरत चल रही कार्य योजनाओं के लिए भी आप सभी को बधाई देता हूं। साथियों, मेरे पीछे ऐतिहासिक झांसी का किला इस बात का जीता जागता गवाह है कि भारत कभी कोई लड़ाई शौर्य और वीरता की कमी से नहीं हारा। रानी लक्ष्मीबाई के पास अगर अंग्रेजों के बराबर संसाधन और आधुनिक हथियार होते तो देश की आजादी का इतिहास शायद कुछ और होता। जब हमें आजादी मिली तब हमारे पास अवसर था, अनुभव भी था। देश को सरदार पटेल के सपनों का भारत बनाना, आत्मनिर्भर भारत बनाना हमारी जिम्मेदारी है। यही आजादी के अमृतकाल में देश का संकल्प है, देश का लक्ष्य है। और बुंदेलखंड में यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इस अभियान में सारथी की भूमिका निभाने जा रहा है। जो बुंदेलखंड कभी भारत के शौर्य और साहस के लिए जाना जाता था, उसकी पहचान अब भारत के सामरिक सामर्थ्य के प्रमुख केंद्र के तौर पर भी होगी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इस क्षेत्र के विकास के लिए का एक्सप्रेस बनेगा, ये मेरे पर विश्वास कीजिए। आज यहां मिसाइल टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक कंपनी का शिलान्यास हो रहा है। आने वाले समय में ऐसी कई और कंपनियां भी आएगी। साथियों, लंबे समय से भारत को दुनिया के सबसे बड़े हथियार और एक प्रकार से हमारी क्या पहचान बन गई, हमारी पहचान एक ही बन गई, हथियार खरीदार देश। हमारी गिनती उसी में रह रही थी, लेकिन आज देश का मंत्र है मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। आज भारत अपनी सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहा है। हम देश के डिफेंस सेक्टर से देश के प्राइवेट सेक्टर के टैलेंट को भी जोड़ रहे हैं। नए स्टार्टअप्स को अभी क्षेत्र में भी अपना कमाल दिखाने का मौका मिल रहा है। और इन सब के यूपी डिफेंस कॉरिडोर का झांसी नोड बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। इसका मतलब है यहां के एमएसएमई इंडस्ट्री के लिए, छोटे उद्योगों के लिए नई संभावनाएं तैयार होगी। यहां के युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। और इसका मतलब है जो क्षेत्र कुछ साल पहले तक
गलत नीतियों के कारण पलायन से पीड़ित था, वो अब नई संभावनाओं के कारण निवेशकों के आकर्षण का केंद्र बनेगा। देश विदेश से लोग बुंदेलखंड आएंगे। बुंदेलखंड की जिस धरती को कभी कम बारिश और सूखे की वजह से बंजर माने जाने लगा था, वहां आज प्रगति के बीज अंकुरित हो रहे हैं। साथियों, देश ने यह भी तय किया है कि रक्षा बजट से जो हथियार उपकरणों की खरीदी होगी उसमें बड़ा हिस्सा मेक इन इंडिया उपकरणों पर ही खर्च होगा। रक्षा मंत्रालय ने 200 से ज्यादा ऐसे उपकरणों की लिस्ट भी जारी की है जो अब देश में ही सही खरीदे जाएंगे, बाहर से ला ही नहीं सकते हो, उन्हें विदेश से खरीदने पर पाबंदी लगा दी गई है। साथियों, हमारे आदर्श रानी लक्ष्मीबाई, जलकारी बाई, अवंती बाई, उदा देवी जैसी अनेक वीरांगनाएं हैं, हमारे आदर्श लोह पुरुष सरदार पटेल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसी महान आत्माएं हैं। इसलिए आज अमृत महोत्सव में हमें एक साथ आना है, एक साथ आकर देश की एकता अखंडता के लिए, हम सबकी एकता के लिए संकल्प लेना है। हमें विकास और प्रगति के लिए संकल्प लेना है। जैसे अमृत महोत्सव में आज रानी लक्ष्मीबाई को देश इतने भव्य तरीके से याद कर रहा है, ऐसे ही बुंदेलखंड के अनेकानेक बेटे और बेटियां हैं। मैं यहां के युवाओं से आह्वान करूंगा, अमृत महोत्सव में इन बलिदानियों के इतिहास को, इस धरती के प्रताप को देश और दुनिया के सामने लाइए। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर इस अमर वीर भूमि को उसका गौरव लौटाएंगे। और मुझे खुशी है कि संसद में मेरे साथी भाई अनुराग जी लगातार ऐसे विषयों पर कुछ न कुछ करते रहते हैं। मैं देख रहा हूं कि राष्ट्र रक्षा इस साप्ताहिक पर्व को जिस प्रकार से उन्होंने स्थानीय लोगों को सक्रिय किया, सरकार और लोग मिलकर के कैसा अद्भुत काम कर सकते हैं, वो हमारे सांसद और उनके पूरे सभी साथियों ने दिखा दिया है। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस भव्य समारोह को सफल बनाने के लिए आदरणीय राजनाथ जी की नेतृत्व में पूरी टीम ने जिस कल्पकता के साथ इस स्थान का चयन करना, डिफेंस कॉरिडोर के लिए उत्तर प्रदेश राष्ट्र रक्षा के लिए अनेक विध आयुधों को तैयार करने की भूमि बने, इसके लिए आज का ये इवेंट बहुत लंबे कालखंड तक प्रभाव पैदा करने वाला है। इसलिए राजनाथ जी और उनकी पूरी टीम अनेक अनेक अभिनंदन के अधिकारी है। योगी जी ने भी उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई ताकत दी है, नई गति दी है। लेकिन डिफेंस कॉरिडोर और बुंदेलखंड की इस धरती को शौर्य और सामर्थ्य के लिए फिर एक बार राष्ट्र रक्षा की उपजाऊ भूमि के लिए तैयार करना, मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा दूरदृष्टि काम है। मैं उनको भी बधाई देता हूं। साथियों, आज के इस पवित्र त्योहारों के पल पर आप सबको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका
बहुत बहुत धन्यवाद।